निकी तंबोली के बाद पवित्र पुनिया ने जीता सीनियर्स का दिल। क्या पवित्र पुनिया बनी बिग बॉस की परफेक्ट कंटेस्टेंट? जी हाँ, वीकेंड का वार के दूसरे दिन सलमान खान कंटेस्टेंट से रूबरू हुए। सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स की रिपोर्ट ली, वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स की तारीफ की तो कुछ कंटेस्टेंट्स को संभल जाने के लिए कहा। भाई सीधी सी बात है, सीनियर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए घर के अंदर हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला हफ्ता तो निकल ही चुका है। पहले हफ्ते के बेसिस पर निकी तंबोली को TBC यानी टू बी कंफर्म से कंफर्म सीनियर नहीं किया है, जिसके बाद निकी ने सीनियर्स की टीम को ना सिर्फ ज्वाइन किया है बल्कि अब सीनियर होने की पावर को भी इंजॉय करने वाली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तीनों ही सीनियर्स को सलमान खान ने एक टास्क दिया है। वो टास्क दरअसल ये था कि सीनियर को बताना था कि कौन सा कंटेस्टेंट कहां पर स्टैंड करता है। ऐसे में सलमान खान सीनियर से कहते हैं कि आप सभी को 1 हफ्ते हो गए हैं घर के अंदर, हम जानना चाहते हैं कि आपने इन फ्रेशर्स को कितनी अच्छी तरह परख लिया है और पहचान लिया है। जी हाँ, सलमान खान ने एक स्टेटमेंट बोर्ड मंगवाया है जिस पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, अब तक का सबसे फेक कंटेस्टेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ पर इसका सिर्फ मजाक बन रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3, इसमें वो बात ही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 4, ओवर प्लान्ड एंड ओवर कैलकुलेटेड। स्टेटमेंट नंबर 5, परफेक्ट फॉर बिग बॉस। स्टेटमेंट नंबर 6, डिसअपॉइंटमेंट। इसमें सीनियर्स को उस कंटेस्टेंट की फोटो उस स्टेटमेंट पर लगानी है जिस पर वो स्टेटमेंट लागू होता है। इस डांस की शुरुआत की गई हिना खान से। हिना खान ने सबसे पहले यहाँ पर इसका सिर्फ मजाक बन रहा है में इजाज़ की फोटो लगाई। वहीं हिना ने इस स्टेटमेंट पर इजाज़ की तस्वीर लगाने पर अपनी राय भी रखी। वहीं गौहर खान ने इस स्टेटमेंट पर राहुल वैद्य की तस्वीर लगाई। सिद्धार्थ शुक्ला ने भी इस स्टेटमेंट पर इजाज़ की ही तस्वीर लगाई। ये टास्क यूं ही चलता रहा, फिर बारी आई परफेक्ट फॉर बिग बॉस की, जहां तीनों ही सीनियर ने झट से पवित्र पुनिया की तस्वीर रीजन देते हुए परफेक्ट फॉर बिग बॉस स्टेटमेंट में लगा दी। इसके बाद पवित्र पुनिया काफी ज्यादा खुश हो गईं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तीनों ही सीनियर उन्हें बिग बॉस के लिए परफेक्ट मानते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले एविक्शन को लेकर बिग बॉस फैन क्लब पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके मुताबिक पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस सारा गुरपाल शो से एविक्ट हो गई हैं। वो घर से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी हैं। कहा जा रहा है कि सारा के एविक्शन का फैसला भी सीनियर्स ने ही लिया है। अब सारा के एविक्शन में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो अपकमिंग एपिसोड में होगा। सारा को लेकर वीकेंड का वार में सलमान खान ने कहा भी था कि वो शो में कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। शो में सारा गुरपाल के योगदान पर सीनियर्स ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने एक टास्क के दौरान सारा को इसमें वो बात है ही नहीं कैटेगरी में रखा था। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आज के एपिसोड में कौन सा वो कंटेस्टेंट होगा जो बिग बॉस के घर से सबसे पहले बेघर होगा। वहीं देखने वाली बात ये भी होगी कि निकी तंबोली और पवित्र पुनिया के बाद वो तीसरा कंटेस्टेंट कौन होता है जो तीनों ही सीनियर्स के दिलों में जगह बना लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।